गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे भाई। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और जैसा कि आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा कि मैंने कुबोटा के A211N पे बनाया, और जो कि ये रहा भाई सामने देख सकते हो यहाँ पे खड़ा है ये ट्रैक्टर। ये छोटू ट्रैक्टर के नाम से भाई बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो अभी भाई इसको मैं लेके चल रहा हूँ कुछ चलाने के लिए भाई, और यहाँ से निकलेंगे घर से भाई। फाइनली मॉर्निंग का ही टाइम है, तो मतलब यार इतना एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक्टर के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस इधर है बैबू। हाय गाइस। तो चलते हैं भाई। वैसे तो ये ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में है, देख सकते हो, और टू व्हील भी अवेलेबल है, फोर व्हील भी, जिस पे आप चलाना चाहो उस पे चला सकते हो। मतलब बहुत अच्छा है भाई, एकदम क्या ही बताएं। मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया कि बढ़िया है। और कल मुझसे भाई इस पे ये कल्टीवेटर नहीं चल रहा था जो कि 5 फार वाला है, तो मुझे कुछ इसकी सेटिंग नहीं समझ में आ रही है, बिकॉज ये छोटा है भाई, तो इसमें कैसे क्या सेट होगा ये मुझे नहीं आइडिया है। तो मैं अभी अरविंद सरोहा जी से बात कर लूँगा, उसकी सेटिंग के लिए पूछ लूँगा। सरोहा जी के पास कॉल करके भाई सब कुछ मैं समझ लूँगा। बाकी इसमें ड्राफ्ट कंट्रोल वगैरह है, बहुत सारे सिस्टम दे रखे हैं जो कि बड़े ट्रैक्टर से अलग दे रखे हैं भाई, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरीके से। वैसे तो भाई ये इसका देख रहे हो आप लोग टॉप लिंक कितनी छोटी है, तो लेके चलते हैं फिलहाल, इसको लेके चलते हैं रोड पे और निकालते हैं भाई, थोड़ा चला के देखेंगे इसका रोड प्रेजेंस कैसा रहता है। तो चाबी किधर है? ये रही भाई इसकी चाबी, कुछ इस तरीके से दिखती है। इसको ऑन करेंगे, ये लो भाई ऑन हो गया, और अब चलते हैं। पहले इसको उठा देते हैं, चलते हैं गाइस लेके आगे। वहाँ जहाँ ऑफ रोड करता हूँ उधर चलूँगा, बट इससे ऑफ रोड नहीं करूँगा क्योंकि ये शोरूम का ही ट्रैक्टर है, और इसको बस मैं भाई ऐसे चलाने के लिए लेके चल रहा हूँ। इधर है वैभव, तुम भी चल रहे हो, साइकिल से चलो भाई। इस पर सीट नहीं है इस वजह से वो साइकिल से ही चलेगा, और मैं भाई चलाते चलूँगा। लेकिन भाई एक बात है कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ये दूसरे गियर की स्पीड है, पिकअप बहुत तेज़ है इसका, और ये रही तीसरे गियर। ये लो गाइस, मजा आ रहा है यार चलाने में इसको। इसके पिकअप का कोई जवाब ही नहीं है, देख सकते हो कितना तेज भगती है भाई। भाई पिकअप देखो इसका, भाई साइलेंसर जो है वो आगे छोटा सा दे रखा है जो साइलेंसर है इसका, बाकी ये है इसका आगे वाला मिरर। तो अभी हम इधर लेके चलेंगे। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, मतलब यार मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई खिलौना है यार। तो मैं इसे लेके चल रहा हूँ अभी भाई, और आगे लेके चलेंगे थोड़ा अभी। बाकी सब लोग देख के थोड़ा चौंक रहे हैं जो लोगों का रिएक्शन है। ये देखो भाई ये चाचा भी आ गया, अभी ये रुक जाएंगे आगे। क्या हाल है? हाँ वही घर पे जुताई होती है। रोटावेटर नहीं आया है, बस कल्टीवेटर ही आ रखा है इसका। अच्छा
गाइस देखा आप लोगों ने, लोगों का रिएक्शन जो लोग देख रहे हैं, मतलब यार ऐसे ये ट्रैक्टर है ही कि जहाँ जाओ लेके लोग देखने लगते हैं। तो अभी चलते हैं लेके भाई फिलहाल, और आगे ले चलेंगे। गाइस खेत में लेके आ गए, ये देखो भाई लग गया दूसरा गियर इसका। वैभव को देखो भाई, वहां से देख के हंस रहा है वो। और अब मैं करूंगा भाई होली, तो इससे होगा नहीं तो मैं ड्रिफ्ट वाला करूंगा, फोर व्हील ड्राइव पे सेटिंग करके इसकी, और इसका एक पहिए का ब्रेक मतलब ड्रिफ्ट मारूंगा। तो ये लो कैमरा पकड़ो, भाई पहले मैं टू व्हील में कर रहा हूँ, लेकिन देख रहे हो टू व्हील पे भैया ये तो बैठ जा रहा है। तो अभी आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, मतलब आप लोग को ये पता होगा कि भाई ये फोर व्हील ड्राइव में है, बट ये काम कैसे करता है। एक्चुअली मैं अभी टू व्हील ड्राइव में करके और उस मेड़ पे चढ़ाऊंगा तो देखना आप स्लिप करेगा पीछे वाला टायर, बट जब मैं फोर व्हील में करूंगा तब देखना आसानी से चढ़ जाएगा। तो मैं पहले टू व्हील में करके और इसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है।
गाइस ये एकदम भाई मतलब 4x4 थार भी फेल कर रखा है ये ट्रैक्टर। मतलब मानना पड़ेगा यार इतनी इसमें पावर है। वैसे तो भाई जहां बड़े ट्रैक्टर जहां से निकल जाएंगे वहां से तो ये निकलने में प्रॉब्लम होगा, बट चाहे जो हो छोटा है तो इसे छोटा नहीं समझने लायक है, बहुत ज़्यादा पिकअप इसका भाई बहुत तगड़ा है। तुम्हें क्या लग रहा है, जी वैगन लग रहा है क्या? मुझे भाई ये तो 4x4 थार अगर जो इसके साथ, सोच रहा हूँ मैं एक बार टोचन कर लूँ। तुम्हारा क्या कहना रहेगा 4x4 थार के साथ टोचन? थार जीत जाएगी। चलो भाई मान लेते हैं कि थार जीत जाएगी, क्योंकि भाई ये छोटी है और इसको वैसे ही कोई भी इससे बड़ी गाड़ी रहेगी तो वो खींच लेगा, क्योंकि भाई ओजन के ऊपर भी डिपेंड करता है गाड़ी का पावर। वहीं लगता है जब ओजन रहता है, जैसे इसके पहिए पे जब लोड रहेगा तब इस पे पावर, इसका पावर मतलब तभी लग पाएगा, तभी ये जोड़ भर पाएगी, नहीं तो अगर ओजन नहीं रहेगा तो भाई ये जोड़ नहीं भर पाएगी। तो अभी चलता हूँ भाई फिलहाल घर पे, क्योंकि यार इतना धूप हो रहा, पसीना पसीना हो गया यार मेरे को, तो अभी चलते हैं घर पे, बाकी शाम को फिर निकालेंगे इसे। चलते हैं गाइस स्टार्ट करते हैं। ये लगाया मैंने हाई, काफ़ी स्पीड दे रखी है यार, इसकी स्पीड बढ़ भी जाती है शायद, और मैं 2-व्हील ड्राइव पे कर लिया हूँ इसको, क्योंकि इसका जहाँ यूज हो 4-व्हील का वहीं यूज करें, बाकी 2-व्हील पे चलाओगे तब भी काफ़ी अच्छा चलती है। लेकिन भाई होता है ना कि 4-व्हील ड्राइव पे चलाओ तो एकदम चिपक के चलती है, तो वही वाली कंडीशन है इसकी। फोर व्हील ड्राइव पे चलाने पे भाई एकदम चिपक जाती है। तो अब मैं पहुंच गया घर पे, ये रहा मोड पहला, और भाई इसके बाद उधर है मेरा घर, वो ताड़ का पेड़ आप लोग देख रहे होंगे हमेशा की तरह। भाई 4-व्हील ड्राइव पे लगा दे रहा हूँ, मुझे मजा आता है जब चिपक के चलती है एकदम। 4-व्हील पे चलाने का कुछ अलग ही। बहुत है इसमें, ये एक चीज तो मानना पड़ेगा कि पिकअप के मामले में भाई एकदम तगड़ी है ये ट्रैक्टर। देख रहे हो भाई, थोड़े
थोड़ा ही देर में कितना तेज भाग रही है। इसको भाई मैं खड़ा करूंगा घर के अंदर, इस पे चढ़ा दूंगा मैं भाई, क्योंकि धूप है और छोटा ट्रैक्टर है, आसानी से चढ़ जाएगा। गाइस चढ़ गई है, ये लो भाई इसको मैंने ऑफ कर दिया। होप करता हूँ गाइस कि आपको काफी मजा आया होगा इस ट्रैक्टर के साथ, कुबोटा के A211N के साथ। और मेरे भाई जहाँ पे मैं डेली बाइक खड़ा करता हूँ यहाँ आसानी से ये आ गई, देख सकते हो आप लोग, मतलब कि यार एकदम माहौल ही इसका कुछ अलग है। सो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर।